चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर अ ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम मास स्लाइडिंग ओवर अ रफ सरफेस। द वर्क डन बाय द फोर्स इन 1 मिनट कितना होगा? तो सबसे पहली बात, आप एक सरफेस बना लो, ये मास 10 किलोग्राम का है इसका, ऑब्जेक्ट का, और ये यहां से मूव करके यहां तक पहुंच रहा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, स्पीड दिया हुआ है। स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ए पॉइंट से मूव करके ये बी पॉइंट तक गया, टाइम कितना? 1 मिनट में आपको बताना है। 1 मिनट मीन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स जो लगाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल ही लगाया जा रहा है, तो इट मींस कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, कॉस 0 की वैल्यू +1 होती है। तो ये वर्क डन की वैल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट को आप v इंटू टी लिख सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आप यूज कर सकते हो वेलोसिटी इंटू टाइम। तो फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम 60 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो गया 10 into 60, 600 जूल आ जाएगा, 600 जूल। ये ऑप्शन कौन सा है 600 जूल का? ए वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।